और यहाँ पे लोग गाड़ी लगा के खड़े रहते हैं। फाइनली इंजिन मधून असा वाफा निघतायत ना वहाँ पे ऊपर स्पॉट। ओ शिट, भाई सामने का रोड तो देखो, व्यू तो देखो भाई, क्या रोड है यार। मतलब ये बहुत अब तक है ना सबसे लंबा हाईवे नहीं है मेरे गांव का, बहुत लंबा हाईवे था, पर ये भी वैसा ही से लंबा हाईवे है इसमें। बट मेरे गांव के हाईवे में इतना भाई ये प्लेसेस नहीं है, तो ये स्पेशल है, तो स्पेशल है तो देखना और दिखाना बनता है, लाजमी है। तो यहाँ पे पत्थर गिरे हैं पेड़ पे भाई, माउंटेन मैन, मतलब भूख लगने है मेरे को, भूख लगी है मेरा भाई सुन। बट ये जो ग्रीनरी है भूख साइड पे कर दो, ये देख के भाई मजा आ जाता है, सब टेंशन भूल जाता, भूख भी भूल जाता। बट नहीं यार, पेट बार बार याद दिला रहा है भूख लगी है। हम लोग कल ऐसे ही किसी एक प्लेन सरफेस पे गए थे कल रात को, आपने वो वाला ब्लॉग देखा रहेगा, मस्त था यार। मतलब एक पता नहीं बस प्लेन ही रहता है ऐसा रहता, बट भाई देख टूरिस्ट तो देखो ऊपर, वहाँ कसम रास्ते पे गाड़ी लगा के ऊपर गए ले। ओ शिट, होली शिट मैन, क्या प्लेस है, सही लोकेशन पे रुकाया है मैंने। रुको मैं दिखाता हूँ आपको, रिकॉर्ड हो रहा है क्या, हो रहा है। और गाड़ी यहाँ पे, ये रोड, वाह 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 वाह, वहाँ पे ऊपर स्पॉट, सब लोग ऊपर से पूरा व्यू का फोटो ले रहे हैं, यहाँ पे गाड़ी पार्क कर रहे हैं। और नीचे देखो कुआ, वहाँ से झरना, नेचुरल पानी आ रहा है वहाँ से बहते हुए जा रहा है। यहाँ पे फोटो शूट करते हैं और आपको सिनेमैटिक दिखाते हैं, चलो। भाई देखो गाड़ी कहाँ पे खड़ी की है, रोड देखो भाई देखो, और ये प्लेस देखो, ओ जिगर के छल्ले। यहाँ पे ऊपर पब्लिक जा रही है, वहाँ से पूरा 360 आता है ना इसके लिए, और यहाँ पे लोग गाड़ी लगा के खड़े रहते हैं रोड के साइड में, एकदम मेन हाईवे भी है। वाह 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 वाह, आपको लुक सिनेमैटिक दिखा दे। तू मैनू रोण ना देवी, नी मैं तेरी हो गई, तू मैनू रोण ना देवी, एना मेरी आखियां तू हंजू चोण ना देवी, जिवे कवेगा उवे रह लांगी, हस हस के सब कुछ सह लांगी, जिवे कवेगा वे रह लांगी, हस हस के सब कुछ सह लांगी। माहिया तू वादा कर। तो ये था यहाँ का व्यू, बहुत ही बढ़िया। अभी दो तीन फोटो लेते और फिर निकलते, भाई के भी लेते, भाई हमने तो मार देगा। Oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go. So just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. Cause I know you got me fucked up. Let me show you what's up. Cause enough is enough. हल्का हल्का बारिश हो रहा है और आपको लगता रहेगा कि खाली राइड ही करता है, कुछ पूछता नहीं, तो भाई ऐसा नहीं है, वाइज़र भी क्लीन करना पड़ता है अपने को ताकि आपको नज़ारा दिखे, समझ रहे, नहीं तो आपको दिखेगा नहीं, फिर आप कमेंट में बोलोगे भाई नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा इसके लिए। और ये कैमरे का लेंस भी बार बार क्लीन करना पड़ता है ताकि वाटर ड्रॉपलेट्स जमे ना। अभी इसका भी सोल्यूशन देखना पड़ेगा कि वाटर ड्रॉपलेट्स रुके ना एक जगह पे, कमेंट डाउन, अपन उसको लाइक करेंगे और उसको रिप्लाई भी करेंगे, थैंक यू भाई। तो किसको पता है, पता है किसी को, कोई जानता है भाई, नहीं पता, पता तो यार एक गरीब की मदद हो जाए, मदद हो जाएगी, एक अनपढ़ गवार की मदद हो जाएगी। God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go. So just stay tuned for the rest of the show.
तो हम लोग पहले सोच रहे थे कि यहाँ पे रुके, बट नहीं, हम लोग अभी वो होटल में जा रहे हैं, कामत में नहीं जा रहे। सब लोग बोलते हैं विट्ठल कामत में जाओ, बट हम लोग नहीं जा रहे, हम लोग देवांशी में जा रहे। मेन रीज़न है गाड़ी पार्किंग का, हमें ये सामने आँखों के सामने दिख रही है, क्योंकि गाड़ी पे सामान है, इम्पोर्टेंट सामान है, तो दिखती रहनी चाहिए उसके लिए। ऐसा कुछ बस है ना, इंजन मधुन ऐसा वाफा दिखता है ना। चलो अंदर बैठते हैं और खाते हैं, यहाँ से सब दिखेगा भी अपने को। भाई बहुत हालत टाइट हो गई है, अभी थोड़ा निकाल दे सब और फिर बनता है। इगतपुरी में हाँ, तो आप लोग अभी इगतपुरी में रुके खाने के लिए, सुबह से कुछ नहीं खाया, वो लोग बोल रहे थे खाओ बट हम लोग बोले नहीं, हम लोग निकलते, अगर खाने के लिए रुकते तो और लेट हो जाता, फिर दिक्कत हो जाती, क्योंकि कल का जो एक्सपीरियंस था ना भाई 12 घंटे का, वो गंदा था। गाड़ी दिखाता है, ये देखो गाड़ी हमने यहाँ पे पार्क की है, सीधा यहाँ पे बैठना है भाई, रेडी, आपने सब अपना कारोबार डाल दिया है। मेरा हुलिया देखो, आधा सूखे की है क्योंकि भाई गीला हो गया, थोड़ा सूखने लगा। चलो अभी खाना दिखाता है। पाऊस फक्त नाशिकला लागला, नाशिक सोडताना लागला, नीते इगतपुरी मध्ये लागला ना भाई, आता मगाशी किती होता, ठीक होता, नॉर्मल होता, हलका हलका, नाशिक सोडताना लागला। और भाई डिश तो देखो, ये मिसल और ये वड़ा मिसल, उसमें वड़ा एक्स्ट्रा मिलता है, पानी का बॉटल भी दिया है भाई, फोटोशूट चल रहा है, इंस्टा पे आओ तो फॉलो वो अटुगड़े ऑन इंस्टा, और नीरज भाई का आईडी नीचे आएगा, एनजे। खाते भाई इसको देख के और भूख लगी, अभी खाते हैं फिर बताते कैसे। पहली बार ये ऐसे बादली मिली हमें। तो चलो अभी नाश्ता हो गया, खा के हल्का फुल्का गाड़ी स्टार्ट करते हैं, फिर निकलते हैं। भाई भी रेडी, अपन भी रेडी, निकलते हैं सब। सही जा रहा है ना अभी तक, नको लो आता, सरल रास्ता है ना। तो अभी GPS नहीं लगा रहे, सीधा सीधा जा रहे अभी हम लोग, बिना GPS के जाएंगे, क्योंकि आगे का रास्ता तो सीधा सीधा है, आते समय हमने देख लिया था पूरा कसरा घाट, तो देन उसके बाद पूरा सीधा सीधा जाना है थाना कल्याण कलवा, ये करते हुए हमें जाना है श्री फाटा रोड से। तो लेट्स सी क्या होता है, निकल दे गणपति अपम मौर्य। पूरा हाईवे है, थोड़ा संभल के चलो भाई, भाई भी वेट कर रहे थे अपने। फाइनली वी आर लिविंग। इगतपुरी में रुके थे खाने के लिए, मस्त भाई, उधर का मिसल भी सही था, देन हम लोग ये भी लिए कांदा भजी, वो नहीं दिखाया हमें, खाने में इतने मगन थे कि भूल गए मोबाइल, बस सब ले लिया ना भाई, हाँ याद नहीं रहता साला। जानिसार है तेरा, बाकी सब बढ़िया था, अपन भी बढ़िया है, आप भी बढ़िया रहो, बस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चलो तो अभी बज चुके 3:45, हम लोग कल ये टाइम पे 4 बजे तक उसके घर पे पहुँचे थे। अभी ये टाइम पे हम लोग आधे रास्ते से भी आगे आ चुके हैं, अभी इधर से और हमें आधा रास्ता कवर करना है हमारे घर के लिए। कल आपने देखा ही, पूरा बारिश था कंटिन्यू, और कंटिन्यू ये सब था क्या, और बारिश फिर से स्टार्ट भाई, बारिश रुक रही ही नहीं भाई, ऐसा थोड़ी होता है भाई, ये तो यार मतलब, तो हम लोग जैसे निकल रहे हैं ना होटल से, होटल में बैठे थे तो बारिश नहीं था, होटल से निकले ही ना भाई बारिश ही बारिश, और ये लोग क्या किसी यात्रा में जा रहे फैमिली को लेके पूरी, ये सीन है। बट भाई जो नज़ारे हैं ना भाई, इसके पूरे पैसे वसूल है, सब थकान दूर, सब खर्चा दूर, सब दूर, बस ये रोड में अपनी गाड़ी और आप लोग बस चलते जाते हैं, मज़ा आ जाता है यार, और कुछ नहीं चाहिए होता भाई। और ये राइडिंग ग्लव्स मैन सुपर है, कंफर्टेबल है, प्रोटेक्टिव है, और इजी टू ग्रिप है भाई, सब है, बस मेरे को थोड़े मोटे आ रहे, बड़े आ रहे, बड़े साइज के,
ये देखो यार ग्लव्स के बारे में बताओ। तो मैं क्या बोल रहा था, तो मेरे साइज के ग्लव्स ही नहीं है, मैं बहुत सारे ग्लव्स ट्राई किया तब जाके ये कुछ अच्छा फिट में आया है ये वाला साइज। और साइज का इशू नहीं है, हर साइज का अवेलेबल है, आप लोग बस ग्लव्स अच्छा लीजिए। क्या ब्रांडेड नहीं, स्क्रिप्टेड नहीं है कुछ, स्क्रिप्टेड ही बोल रहा हूँ, पेड़ कुछ भी नहीं है भाई, घर ही खुद से पैसा दिए और खुद से लिया है। और ये जीप कंपास, वाह सामने तो देखो पूरा बादल वगैरह। अच्छा मैं इनको उतारने वाला था पर बोला नहीं 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 उतारते भाई, नहीं उतारते, क्या बीच में उतर यार, ऐसे क्यों करते हैं लोग। पूरा हरा भरा देखो ना भाई, हरा भरा हो चुका है पूरा, बारिश ही बारिश है, मज़ा आ गया यार। ये रस्तों पे जाना है मतलब अलग ही ट्रिक मिलता है, ट्रिक रहता है। और भाई जीप क्या दिख रही है भाई, वाइट कलर में, वाइट और ब्लैक इसमें सुपर है। ये कंपास में सही है भाई, पीछे से आ रहे हैं अपन अपनी स्पीड मेंटेन करते हुए, बारिश का मुकाबला करते हुए आपका भाई वाइपर। प्लीज प्लीज मैन सब्सक्राइब कर दो, बारिश में ओ मैन क्या है वो मैन, ब्रो मैन ब्रो इंसेन मैन इंसेन, नो वन कैन मैच दिस, नो वन कैन मैच दिस। ओ दो पर्वत कैसे दिख रहे हैं यार, जबरदस्त है भाई जबरदस्त है, कुछ भी बोलो, नासिक इज ऑसम, इगतपुरी इज ऑसम, सब ऑसम, तुम्हारा भाई भी ऑसम, तो सब्सक्राइब तो बनता है भाई, बट सच में यार ये खतरनाक व्यू है। Let's go man, let's go. बट भाई इसका वो ये तो देखो लेक पूरा और ऊपर पर्वत, भाई क्या फोटोज आते यार। बट क्या करे तुम्हारा भाई, नहीं रुक सकता, अगर अभी रुका तो भाई मार देगा मेरे को। ब्यूटी मैन ब्यूटी, पूरा जमीन के ऊपर पानी आ चुका है भाई यार, खतरनाक दिखता है मैन खतरनाक, इसका कोई तोड़ नहीं है भाई। ये व्यू मैं अकेला रहता ना रुकता यहाँ पे, हर स्पॉट पे रुकता बार बार, कल उसको इतना रुकाया ना भाई, आज बोला है रुका ना मार गएगा, तो इसलिए नहीं रुक रहा। चल आगे मिलते हैं, इस ब्यूटी को ट्राई करेंगे, हर फार्म याद रख, हर फार्म से यहाँ पे तो व्यू तो देखो भाई, पूरे बादलों ने घेर रखा है पूरा, और बीच बीच में बारिश आ रही है जा रही है, पैच है इसमें पैचेस, इतना जोर से आ रही ना पता भी नहीं चल रहा, सब भीग जा रहा है और जा रही है फिर पैच पैच में गिर रहा है भाई। और भाई अपन ने सुबह से चला ले 335 किलोमीटर, मतलब जोड़ के लगा लो 105 या 6 किलोमीटर कंप्लीट कर दिए। और यही वो मोड़ था जहाँ पे हम लोग रुके थे, वहाँ पर डिसाइड करना था हमें सीधा जाना था या बीच वाला रास्ता लेना था, तो वही वही करते हुए हम लोग जा रहे हैं सीधा, और वो रास्ता नहीं ले रहे, अगर वो लेते तो बीच में से जाते और दूसरा व्यू आपको दिखता, बट नहीं मैंने बोला इधर से जाते, बोला ठीक है भाई इधर से जाते फिर, पर यहाँ पे जैम तो लगना लाजमी है, उसका कुछ नहीं हो सकता, ये जैम तो जैम है। चलो देखते अभी जैम को क्या होता है सीन, और आगे तो देखो भाई क्या रोडों पहाड़ों के बीच में रोड है भाई, चक्का जैम चक्का जैम, जैम 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 चक्का जैम, बहुत ख़राब रोड है, और इन ख़राब रोडों पे मैं गाड़ी चला रहे हैं, ले देखो देखो क्या वो पेड़ है या फिर रोड ओड़ा है खड़ा कोई। चलो भाई सीधा ही जाना है अपने को, सीधा ही जाना है, कोई लफड़ा नहीं अफड़ा नहीं कुछ नहीं चाहिए अपने को।